खेतीबाड़ी प्रधान सूबा पंजाब, ग्रीन रेवोल्यूशन का सूबा पंजाब, झोना खेत कणक झोना कणक झोना कणक सिर्फ इसे पैटर्न के उपर पिछले कई दहाकों तो काम करता पंजाब। पिछले कुछ घंटे पहला या कुछ दिन पहला मुख्यमंत्री पंजाब ने एक ऐलान किया कि झोने और कणक के विचाले वह 60 मूंगी बीज सकते हैं। ये अड्डो अड प्रतिक्रम आ रहे हैं सोशल मीडिया के उत्ते। कुछ किसान ये कहते मिल रहे हैं कि मूंगी नू बीजण का तो टाइम नहीं रहा, और कुछ किसान ये बड़े वड्डे पद्धर से कह रहे हैं कि इस तरह के ऐलान पहला भी सरकारां ने किए ने, पर मौके ते ऐन मौके ते आके MSP देने तो सरकारां मुकर गईं, जिदे करके किसानां नू खाली हथी या बहुत घरे मुड़ना पे या बहुत सस्ते भा मूंगी वेचनी पई। सो ये सारे सवालों के जवाब लैण लई साडे नाल इस वेले मौजूद ने पंजाब नावा दे मंच के उपर डॉक्टर दलजीत सिंह जी, जो खुद खेतीबाड़ी नू बहुत नेड़े होके पढ़ाते रहे ने और पंजाब दे विच खेतीबाड़ी की पढ़ाई दे लई पायनीर ने डॉक्टर दलजीत सिंह जी। डॉक्टर दलजीत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है पंजाब नावा दे इस मंच के उत्ते तुहाडा एक बार फिर। पंजाब नामा दा बहुत बहुत शुक्रिया मैनू इस मुहिम का हिस्सा बनाने लई। दर्शकों नू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। सर जिवें तुसीं सुणी लिया इस वेले ये सब तो वड्डियां दो गल्लां चल रहियां ने कि सरकार ने कहिंदे वी मूंगी दा ही ऐलान क्यों किया, मक्की क्यों नहीं, कपाह दी गल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वह भी वड्डा मसला MSP दा रेड़ के विच पिया रहिंदा हैगा, या होर फसलां क्यों नहीं, सिर्फ मूंगी क्यों? थोड़ा इहदे उत्ते की टिप्पणी हैगी आ, क्योंकि लोकां दीआं गल्लां नालों ज्यादा वड्डी गल तुहाडे वर्गे बंदे दी हो जांदी है जो खेतीबाड़ी नूं नेड़े हो देखिया और सारा कुछ जानदे इस मसले उत्ते। मैं जितों तक समझदा हाँ कि इत्थे दो इशू अलग अलग ने, MSP देना अते 60 मूंगी का ग्रो करना। MSP देने की जे असी गल करिए तां जे पुरानियां लिस्टां देखिए तां 22 क्रॉप्स ऑलरेडी MSP दे विच ने, पिछे जे 22 तो वधा के 24 कर दिता गया। हुण इस वेले जिहड़ी सेंट्रल गौरमेंट की लिस्ट है उहदे ते 24 क्रॉप्स ने जिन्हां का MSP दिता गया है, ते मूंगी पहला ही उस लिस्ट दे विच है। कोई मान साहब ने या साडे मुख्यमंत्री जी ने कोई नवा ऐलान नहीं किया कि इहदे ते MSP दित्ती जाऊगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2021-22 2021-22 का जिहड़ा लिस्ट रेट है वह करीब 7275 रुपए पर क्विंटल पहला ही अनाउंस किया गया है। हुण ये MSP दे विच तां ऑलरेडी इनकलूडेड ने, इहदे विच 7 सीरियल क्रॉप्स ने, 5 पल्सिस ने, जे दाणा लईए कल्ली मूंगी नहीं, 5 तरह दीआं दाणा उहदे विच पहले इनकलूडेड ने। हुण आ गया मान साहब दा सुजैशन जिहड़ा सोशल मीडिया दे उपर TV दे उपर बहुत वड्डा इशू बनिया होया है कि मूंगी दा सीजन बीत गया है। ये कहना कोई राजनीतिक हो जाएगा कि मूंगी दा सीजन बीत गया है। मूंगी जिहड़ी है अपना जिहड़ा पंजाब दा किसान पर्टिकुलरली लईए खास तौर ते, तां दो तरह दे खेतां दे विच करदा है। एक है कि जेडे आलू जिन्होंने पहले लाए सीगे उन्होंने खेत बड़ी पहले खाली हो गए सी, तो उन्होंने मूंगी की बिजाई अपनी कर ली है। दूजा आ गया साडा आम किसान जिदे विच मेजोरिटी ऑफ द फार्मर ज्यादा फार्मर आते हैं जेडे कणक तो बाद मूंगी करना चाहते। कणक वाला जेडे कणक वाले साडे फार्मर ने उन्हों का खेत हुण खाली होया है। जे असी मूंगी दीआं वरायटियां दे विचों खास वरायटियां लईए जिदे च TMB 37 है, SML 832 है, SML 668 है, SML 1827 है, IPM 205 है, IMH जी है कली MH 421 है, पूसा विराट है, श्री राम वाले की विजेता है। ये सारिया 60 मूंगी कहें साडे पिंडां च, इन्हां इस मूंगी की फसल 60 दिन के विच तैयार हो जाती है। ये सारिया वरायटियां जिहड़ियां इन्हां दा सोइंग सीजन क्रॉपिंग सीजन जिहड़ा स्टार्ट हो गया वह हो चुका है, पर इन्हां नूं असीं 10 अप्रैल तक बीज सकते हाँ, क्योंकि हुण थोड़ी जी कणक की कटाई पिछे हो गई, गाई हो गई, 20 अप्रैल तक इन्हां नूं बीजिया जा सकता है। जे 10 अप्रैल तक भी असीं इहनूं बीज लीए, 10 मई ते 10 जून 11-12 जून नूं तुहाडी इह क्रॉप तैयार हो जाएगी। पर इहदे विच प्रॉब्लम की आउंदी है, थोड़ी जी जिहड़ी टैक्नीकल प्रॉब्लम आएगी वह ये आएगी कि जाके हुण अप्रैल मई ते जून मई जून दे विच जाके साडियां प्री मानसून शावर्स आ जांदियां,
प्री मानसून शावर दे नाल हवा दे विच नमी हो जाती है। जो हवा दे विच नमी हो जाएगी तो मूंगी की जिहड़ी कटाई है मूंगी की क्वालिटी ते थोड़ा बहुत फर्क जरूर पेगा, बट फिर भी अगर 10 तरीक तक नू असी इहनू सी सोइंग कर लैंदे आ ते जाके फिर सानू इहदे प्री मानसून शावर का बाला फर्क नहीं पेगा। हाले भी अज 7 तरीक हैगी है, 3 दिन फिर हाले भी साडे कोल ने, ते इह जिहड़ी है सठी मूंगी है इहदे विच टिलेज की जरूरत नहीं, सानू हल बाउन पाले नहीं करने चाहिए, कोई पानी नहीं छड़ना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल जिहड़ा हैप्पी सीडर है वह वरत लो, जिहड़ी कणक वाली ड्रिल है उसे नू ही असीं मूंगी की बिजाई वास्ते वरत सकते हैं। सिर्फ की करना कणक की जिहड़ी सोइंग करनी उहदी ड्रिल है उहदे जिहड़े पोर टू पोर डिस्टेंस 8 इंच हुंदा, एक पोर उहदा बंद कर दिओ उह डिस्टेंस 16 इंच ही हो जाएगा। सो 10 अप्रैल तक मूंगी की बिजाई की जा सकती है, अगर 10 अप्रैल तो बीत गया 20 अप्रैल तक भी कर लीए तो थोड़ा प्री मानसून शावर का जिहड़ा है साडा वो असर होएगा, बट साडे किसान कोल सफिशेंट है। कहना राजनीतिक है कि मूंगी की जिहड़ा बिजाई का समा बीत गया है, ऐसे कुछ नहीं, तो इन्हां वरायटियां दे विच जिहड़ा सीड है जिहड़ी हुण TMB 37 है 12 किलो सीड पैना पर एकड़, SML 832 हैगी है इहदे 15 किलो सीड पैना है, SML 668 है इहदे विच भी 12 किलो सीड पैना है, दूजिया जिहड़ियां वरायटियां हैगी IPM 208 है, MH 421 है, पूसा विराट है, दैन साडे कोले श्री राम वाले दी विजेता है, इह 8 तों 10 किलो सीड पैना है सारा, ते इहनां दा जिहड़ा झाड़ है वह करीब 4.9 क्विंटल तो लैके 4.5 या 4.2 क्विंटल तक आ जाए। सिर्फ इस गल का ध्यान रखना पैना है कि अगर 10 तरीक तो भी असी लेट हो जाने हाँ तो जेडे पिछे आने वाले प्री मानसून शावर से सानू थोड़ा जा डिपेंडेंट रहना पेगा, अगर प्री मानसून शावर एडवांस हो गया थोड़ा जा पहला आ गया फिर मूंगी की क्वालिटी से फर्क पेगा। खास तौर पर SML दी वरायटियां 1827 ये की है जिहड़ियां मूंगी दी जिहड़ियां फलियां बनदियां हन वह किश्तां विच बनदियां, जदों किश्तां दे विच बनदियां तां उहदी तुड़ाई भी किश्तां च हुंदी है, सो 827 जिहड़ी 1827 हैगी है उहदी किश्तां दे विच तुड़ाई होएगी। प्री मानसून शावर तो पहले पहले जिहड़ी असीं फलियां तोड़ लईआं उह तां साडियां बहुत वधिया रहिणगियां, ते जदों प्री मानसून शावर हो गया उहदे विच नमी आ जाएगी, उह जिहड़ा मूंगी दा जिहड़ा शार्प ते ब्राइट कलर है उह डल। सो यह कहना सही नहीं होगा कि मूंगी का सीजन बीत गया है। 10 अप्रैल तक आम जे साडे खेती माहर हैं 10 अप्रैल तक रिकमेंड करते जे 20 अप्रैल तक असीं ले जा सकते। सो जी सर सर अगे आ जाता कि जो सरकार ने इनिशिएटिव लिया दो फसलों में तीसरी फसल सानू एक ऐड ऑन करके दिती है, इहदे विच तुसीं की देखे हो कि किसान नूं कोई इकोनॉमिकल फायदा हुंदा दिख रहा है या सिर्फ गल्ले ने? नहीं बिल्कुल फायदा होएगा, पहले की सीगा साडे कोल किसान आलू लैंदा सी जां कणक लै रहा सी उस तों बाद सीधा झोने दे बासमती ते जांदा सीगा, दो क्रॉप्स हो गईआं हुण उहनां दे विचाले जीरो टिलेज दे नाल तुहाडी सठी मूंगी आ गई, एक क्रॉप वाधू हो गई, एक क्रॉप दा अगर एक एकड़ दे विच असीं 4.5 या 4.9 क्विंटल जिवें फार्म जिहड़ा यूनिवर्सिटीआं रिकमेंड करदे 4 क्विंटल मूंगी भी लै ली ते जे MSP ओदी लईए तां करीब समझो भी 7275 रुपए 7000 भी लाओ 35000 रुपए फार्मर दो क्रॉप दे विचाले लै गया, ते ओदे उपर कोई बालियां स्प्रे भी करन दी लोड़ नहीं, ट्राइकोडर्मा हैगा ओदा स्प्रे सीड दे सीड नूं सोक करो जां जिहड़ियां नॉर्मल खादा, 35000 दे विचों अगर साडा 10000 या 15000 खर्चा भी आ जांदा है फिर भी फार्मर 20000 रुपए पर साल वह प्रॉफिट च जांदा है, ते जे सेंटर वालों जिनी सहायता दिती जा रही है वह लाइए तो सेंटर गौरमेंट वालों दिती जांदी सहायता दे नालों ए अपनी हार्ड अर्निंग मनी अपनी मेहनत की कमाई अपनी पसीने की कमाई 20000 रुपया पर एकड़ आराम दे नाल बचा। सो एक पॉजिटिव स्टैप है ते पहले जो किसान है दो ही क्रॉप लैंदा सी हुण तो 4-4 क्रॉप आ गई है सीजन पे पूरे दे पूरे जिहड़ा फाइनेंशियल ईयर है 4-4 क्रॉप लै रहे फार्मर, दुआबे का फार्मर पर्टिकुलर जिहड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो एक प्लस पॉइंट है किसान की इकोनमी नूं जरूर एक हुंगारा मिलेगा और करीब 2000 रुपए महीने के एवरेज के हिसाब खर्चे कढ़ के। जी सर सर पानी का कितनी खपत रहेगी पानी का क्योंकि पानी नूं बचाउण लई सारा कुछ हो रहा? नहीं इहदे विच पानी की फिर बचत होएगी,
ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੰਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਰਾਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਡ ਸੋਇੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਬਚੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5,000 ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਮੰਨੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛਲਾਂਗ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਛਲਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਛਲਾਂਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਛਲਾਂਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰੋ, ਪੁਲਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। MSP ਦਿਓ ਚਣੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 24 ਕ੍ਰੋਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ 24 ਕ੍ਰੋਪ ਦੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੂੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।